हम सबने एक नाम सुना है सनबर्न। हम सनबर्न नाम बोलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सन मतलब सूरज, बर्न मतलब जलना, यानी कि सूरज की रोशनी में हमारी त्वचा का जलना ही सनबर्न है। अभी सनबर्न होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत। सनबर्न क्यों होता है? जब हम सूरज की तेज रोशनी के संपर्क में आते हैं तो वो जो तेज रोशनी है उसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं या पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। ये शब्द हमने अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है सबने कि पराबैंगनी विकिरण होती है वो कितनी खतरनाक होती है। ये जब स्किन पे ज्यादा पड़ती है तो इससे स्किन का कैंसर भी हो सकता है। पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आती है हमारी त्वचा, तो इससे हमारी त्वचा के अंदर एक रंगद्रव्य होता है मिलेनिन नाम का, तो वो धीरे 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 वो रंग द्रव्य ज्यादा बनाने लगता है जिसके कारण स्किन में कालापन आ जाता है। ये एक तरह से नहीं होती है, ये अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो उससे भी पराबैंगनी किरणें पानी के अंदर बहुत ज्यादा आती है और ऑब्जर्व कर लेती है। और वहां अगर अपन स्विमिंग करते हैं तो उसका भी सीधा असर हमारी स्किन पे पड़ता है। ये ज्यादा हाथ, गर्दन या फेस, इन्हीं तीन चार अंगों को प्रभावित करते हैं, उससे नीचे के अंग ढके हुए रहते हैं तो इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब हमें सनबर्न होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सनबर्न है और इसका हमें बचाव क्या करना चाहिए? सनबर्न में हमारी स्किन होती है वो पिंक हो जाती है, हमारा फेस होता है वो यहाँ से पिंक हो जाता है और साथ में जो स्किन की लेयर्स होती है वो उतरने लग जाती है। इसके साथ साथ आपको फेस से ऐसा महसूस होगा कि तपन या जलन महसूस होती है। ये जरूरी नहीं है कि गर्मी के मौसम में ही हो, ये सर्दी के मौसम में भी अगर हम ज्यादा धूप में बैठे रहते हैं तो उस टाइम भी हो सकता है। इसीलिए हमें डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि 12 बजे के पहले की धूप होती है वो ही आप ले, इसके बाद वाली धूप ना ले, क्योंकि इसके बाद में जो पराबैंगनी किरणों का असर होता है वो बहुत ज्यादा होता है और 12 बजे से पहले वाली किरणें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छी रहती है। स्किन के अंदर रेड रेड रेसेस हो जाती है, यानी कि जैसे हमारी आंखों के अंदर रेड रेड रेसेस दिखते हैं वैसे ही हमारी स्किन के अंदर भी दिखने लग जाते हैं। ये इस प्रकार से कुछ लक्षण है, या जगह जगह आपके काले काले धब्बे भी हो जाते हैं जिनको अपन झाइया पिगमेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि सनबर्न के संपर्क में आने से मिलेनिन हार्मोन ज्यादा बनने लग जाता है, रंग द्रव्य में रंग ज्यादा बनने लग जाता है। इसके कारण हमारी स्किन पे झुर्रियां भी पड़ने लग जाती हैं और झाइया भी होने लग जाती हैं। अब इसका इलाज क्या है जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, वो क्या इलाज करें? एक तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाएं हर 2 आवर्स में, हमारा धूप में ज्यादा रहना है तो हमें हर 2 घंटे में सनस्क्रीन लगाएं। ये तो एक जनरल सा इलाज है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है आप हाथ, गर्दन और फेस को ढक के रखें, या तो कोई कैप ऐसी पहन के रखें, या फिर अपने हाथों में बाहर ज्यादा घूमते हैं तो ग्लव्स पहन के रखें या स्कार्फ से कवर रखें, आंखों पर गॉगल्स रखें ताकि आई सर्कल्स होते हैं वो ना हो, यानी कि अपन पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, कुछ चीजें अपनी रह जाती है तो फिर उसका कलर भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ये कि आप अपने शरीर में पानी की कमी ना आने दें, पानी के लेवल को आप बढ़ाएं जो हमारे शरीर में ठंड देता है। अगर गर्मी के सीजन में अपना सनबर्न हो रहा है तो जो हमारे शरीर में ठंड देता है जैसे खीरा होता है उसका सेवन ज्यादा करें, नॉर्मल पानी होता है उसका भी सेवन ज्यादा करें, गर्मी है तो नींबू पानी का इसमें इस्तेमाल ज्यादा करें, जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उसका सेवन ज्यादा करें, और अगर सर्दी है तो पानी तो हम पी सकते हैं, लिक्विड की कमी ना आने दें जिसके कारण जैसे हमारी किरणें शरीर पानी को ज्यादा सोख लेते हैं, पानी त्वचा में पानी की कमी आ जाती है, इसके कारण त्वचा फटने लग जाती है और रेसेस हो जाते हैं। तो पानी का लेवल प्रॉपर बनाए रखें जिससे सनबर्न का खतरा कम रहे, और कोशिश करें कि डायरेक्टली आपके फेस पे या हाथों पे धूप ना पड़े और 15 मिनट से ज्यादा आप धूप में ना रहे अगर तेज है तो, और मॉर्निंग वाली धूप है तो वो आपके शरीर को विटामिन डी देता है वो अच्छी रहती है। नेक्स्ट कि आप धूप में जाएं, सनबर्न क्रीम तो आपको लगानी है, इसके साथ में जैसे किसी को सूट नहीं करती है कोई भी क्रीम तो एलोवेरा जेल भी सनबर्न से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं जब भी धूप में जाती हूँ मैं किसी भी प्रकार का सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, आपकी स्किन को धूप से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और अपनी स्किन में रेडनेस होता है, रेड रेसेस होते हैं, लेयर्स उतरते हैं या स्किन का कलर चेंज होता है, उससे बहुत अच्छे से बचाव भी करता है। ये थे अपने सनबर्न क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसका इलाज हम घरेलू इलाज कैसे करें। किसी की अगर कोई स्किन संबंधी समस्या है तो जो डॉक्टर्स जो क्रीम वगैरह देते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, उसके अंदर एक ऐसा केमिकल आता है
जो आपकी स्किन को 4-5 दिन में या 1 वीक में एकदम से व्हाइट बना देगा, और फिर धीरे धीरे जब आप छोड़ेंगे तो सनबर्न की समस्या होगी। तो केमिकल युक्त जो क्रीम देते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। आप कोशिश यही करें कि घर पे कोई रेमेडी हो जिससे मैं अपने फेस को, अपनी त्वचा को सही कर सकूं। बहुत सारी रेमेडी आती है जिससे फर्क पड़ता है, और खाने पीने पर भी ध्यान देंगे तो आपके सनबर्न संबंधी समस्या या स्किन की समस्या है वो बहुत ही कम होगी। इसमें खाने का रोल सबसे ज्यादा होता है, पानी का रोल सबसे ज्यादा होता है। जितनी लिक्विड अच्छी चीजें लेंगी उतनी आपकी स्किन में पानी बना रहेगा, स्किन पे पानी बना रहेगा तो सूरज की रोशनी होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनका खतरा कम रहता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। अगले सेशन में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।